हेलो गाइस, चलिए आज हम ब्रेड से बनाएंगे ब्रेड मलाई रोल। आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने आधा लीटर करीब फुल क्रीम दूध लिया है। इसे बॉईल करेंगे अच्छे से चलाते हुए। इसे इसका हमें खोआ बनाना है। इसे बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से पकाएं। गाढ़ा होने तक इसे हमें पकाना है। देखिए, थोड़ी देर पकने के बाद दूध एकदम गाढ़ा हो चुका है। और इसमें ऐड करेंगे चीनी, एक चम्मच के करीब चीनी मैंने डाला है। आप अपने मीठा कितना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। देखिए, इसे इसी तरह अच्छे से चलाते हुए आप कर लें। इसे लगातार चलाते रहें ताकि नीचे सटे नहीं। ये हमारा गाढ़ा हो चुका है। देखिए, इसी तरह हमें खोआ चाहिए था। इसे अब हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। इसे ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा। इसे निकाल के ठंडा होने के लिए रख दें। और जब तक हम रबड़ी तैयार करेंगे, रबड़ी के लिए मैंने 2 कप करीब दूध लिया है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा वेनिला एसेंस, आप इलायची डाल सकते हो पीस के। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। दूध को एक उबाल आने तक पका लेंगे। दूध अच्छे से उबाल आ जाए दूध में, तो फिर इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा अरारूट पाउडर मैंने लिया है। इसे ठंडे दूध में घोल देंगे। आप इसके जगह कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। और फिर इसे चलाते हुए डालेंगे। इसे चलाते रहें ताकि ये नीचे बैठ नहीं, नीचे जम सकता है। और इसमें चीनी भी डाल देंगे और फिर इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। और इसमें थोड़ा सा कटा हुआ काजू है और बादाम है को डाल देंगे और इसे चलाते हुए पकाएंगे थोड़ी देर। ये गाढ़ा होने तक, इसे हल्का गाढ़ा हो जाएगा उतना ही पकाना हमें, इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। और इसमें थोड़ा सा कलर ऐड किया मैंने जगह पे। इसकी जगह पे आप केसर भी डाल सकते हो। और इसे मिक्स कर दें और दूध को गाढ़ा होने तक पकने देंगे। दूध देखिए गाढ़ा हो चुका है। गैस को बंद करेंगे, ये ठंडा होगा तो और भी गाढ़ा हो जाएगा। और इधर ब्रेड को कट कर लेते हैं। ब्रेड के किनारे की साइड को हटा देंगे हम कट करके। इसी तरह से आपको हटा देना है। देखिए, सारे ब्रेड को कट करके हटा देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी वीडियो आप देख सकते हो। देखिए, इसी तरह कट कर लेना हमें। और फिर इसे थोड़ा सा बेलन की मदद से पतला कर लेंगे, हल्का सा बेल लेंगे हमें। और फिर इधर हमने जो खोआ बनाया था वो भी ठंडा हो चुका है। इसे थोड़ा सा खोआ लेंगे और इसे इस तरह से लंबा करके ब्रेड पे लगा देंगे। और इसको सील करने के लिए हम रबड़ी लगाएंगे किनारे में। आप पानी भी लगा दो। और फिर इसे अच्छे से पैक कर देंगे, देखिए। और इसे प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह सारे ब्रेड को कर लेंगे। आप यहाँ पे पानी भी डाल के पैक कर सकते हो। मैंने रबड़ी जो बनाया था वही डाला है। और इसमें खोआ डाल के इसे अच्छे से टाइट से मोड़ेंगे, थोड़ा सा टाइट ही मोड़ेगा ताकि खुले नहीं। इसे अच्छे से पैक कर लेंगे। देखिए, सारे ब्रेड को मैंने इसी तरह से कर लिया है। आपको भी कर लेना, एक बार बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप इसे बनाकर जरूर ट्राई करें। देखिए, और सारा हमारा रेडी हो चुका है। और इस पर रबड़ी डालेंगे। अच्छे से रबड़ी को डाल दें और थोड़ा सा रबड़ी हम बचा लेंगे बाद में डालेंगे। रबड़ी को अच्छी तरह से चारों तरफ फैलाते हुए डाल दें। ये बहुत ही अच्छा टेस्टी बनेगा। और कोई भी रेसिपी देखना चाहती है तो हमें कमेंट में बताएं। और फिर इस पर काजू बादाम कटा हुआ डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा हमारा ब्रेड रोल बन के रेडी हुआ है। अंदर में खोआ है, बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। आप इसे बनाएं। और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।